और चलिए अब एक बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। मध्य प्रदेश में ऑनलाइन गेम्स के चलते हो रही मौतों पर सरकार अब एक्शन की तैयारी में है। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मध्य प्रदेश में ऑनलाइन गेमिंग पर एक्ट तैयार किया है, जल्द ये एक्ट लागू होगा और इस एक्ट के माध्यम से वेबसाइट और गेम्स पर रोक लगाई जाएगी। आपको बता दें कि कल ही राजधानी में एक बच्चे ने फ्री फायर गेम के प्रभाव में आकर आत्महत्या कर ली थी, जिसको लेकर अब सरकार एक्शन लेने के मूड में है। हिंसक वेबसाइट्स और गेम्स पर रोक लगाई जाएगी। जो हमारे फायर गेम है, ये दुखद घटनाएं हो रही हैं, इन पर लगाम लगाने के लिए हम ऑनलाइन गेमिंग का एक एक्ट मध्य प्रदेश में लेके आ रहे हैं, जिसका ड्राफ्ट तैयार हो गया है लगभग, और हम बहुत जल्दी ही इसको मूर्त रूप देंगे। और अधिक चर्चा हम करेंगे सहयोगी सूरज हमारे साथ भोपाल से लाइव बने हुए हैं। सूरज, क्या कुछ जानकारी पूरे मामले को लेकर, सिंस ऑनलाइन गेमिंग अब काफी ज्यादा दुष्प्रभाव फैला रही है बच्चों की अगर बात की जाए? देखिए, जिस तरीके से कल राजधानी भोपाल में फ्री फायर गेम को लेकर एक मामला आया, एक छोटे बच्चे ने सुसाइड की, अपने प्राण त्याग दिए, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो हिंसक गेम है, वेबसाइट है, उन पर रोक किस तरीके से लगे, इसको लेकर मध्य प्रदेश सरकार एमपी में ऑनलाइन गेम को लेकर एक एक्ट लाने वाली है। और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने साफ तौर पर कहा है कि इसको जल्द ही मूर्त रूप दिया जाएगा। जो फाइनल एक्ट है वो ड्राफ्ट तैयार भी हो चुका है, क्योंकि इसके पहले भी कई मामले ऐसे सामने आए थे जिनमें छोटे बच्चों ने गेम के जरिए, जो हिंसक गेम है, उनके जरिए अपने जीवन लीला समाप्त कर दी। इसके पहले भी पबजी गेम आया, जिसमें देखा था मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश में कई छोटे बच्चों ने उस गेम के जरिए, उस गेम में जिस तरीके से हिंसक एक्टिविटीज थी उनमें पार्टिसिपेट करते हुए अपने प्राण त्याग दिए थे। और राजधानी भोपाल में एक नया मामला फ्री फायर गेम को लेकर आया, तो कहीं ना कहीं ऑनलाइन गेम में जिस तरीके से जो हिंसक बातें हैं, जो हिंसक सेंसिटिव मूवमेंट बताते हैं, उनमें कहीं ना कहीं बच्चे अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं, और शायद यही वजह है कि अपने परिवार का दामन छोड़ वो अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं। तो सरकार, मध्य प्रदेश सरकार खासतौर से इसको लेकर सख्त है, और अब जल्द मध्य प्रदेश में ऑनलाइन गेम को लेकर एक्ट आएगा, ताकि जो इस तरीके के हिंसक गेम वेबसाइट हैं उन पर रोक लग सके। जय बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सूरज इस पूरी जानकारी के लिए। और जिस तरह से देखा जा रहा है कि सरकार भी अब एक्शन लेने के मूड में आ चुकी है, और जल्द ही कोई कड़ा निर्देश सरकार की तरफ से इसके लिए जारी होगा। एक एक्ट लाने की तैयारी में है सरकार, ऑनलाइन गेमिंग वेबसाइट्स और हिंसक वेबसाइट्स पर रोक लगाने की तैयारी।